दुनिया का सबसे बुरा काम होता है गार्ड की नौकरी करना। पता नहीं किस गुमनाम ने हेडक्वार्टर में फोन करके कह दिया उसने जंगल में घायल चीता देखा है, ढूंढो उसे अभी। हाँ यार, और रात को हमें लगा दिया काम पे, ढूंढो उसे, बेहोश करो और जानवरों के हॉस्पिटल में भर्ती करो। अरे चीता अगर घायल हो जाता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है। हमारी मौत का याद आवाज मत कर, ध्यान से देख कहाँ है चीता। वो वहां पे रहे। समझ गए। ये पटाखों की आवाज कैसी आ रही है? जंगल में पटाखे कौन चला रहा है? आओ चल चल देखते। ये तो पुराने वाला गार्ड ऑफिस है, कहीं पटाखे चलाने वाला इसके अंदर तो नहीं छुपा हो? मगर ये तो सालों से बंद है। ये पटाखों की आवाज नहीं, कोई गोली बरसा रहा है। कुछ गड़बड़ है, मैं सीआईडी को फोन करता हूं। तुम दोनों यही रुको। सर, दोनों का कोई आईडी नहीं है। सर, एक AK-47 और एक रिवॉल्वर भी है। ऐसा लगता है ये पूरा AK-47 दीवार पे खाली कर दिया गया है। सब फॉरेस्ट गार्ड ने बताया था कि सबसे पहले सिर्फ 3 गोलियां चली थी, लेकिन यहाँ तो 2 लाशें, एक गोली इसको और दूसरी गोली इस पे। तो फिर तीसरी गोली कहाँ? सर, ये देखिए। निकल, सर, जरा देखना रिवॉल्वर से कितनी गोली चली। सर, इसमें से एक ही गोली चली और तीसरी गोली ये है। अब समझ में आया कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या था। ये दोनों यहां इस टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, उस वक्त इन पे हमला हुआ और वो हमलावर वहां उस दरवाजे से आया और यहां से इसने उस आदमी पे गोली चलाई। और इससे पहले के दूसरे आदमी पे गोली चला था, इस दूसरे आदमी ने पलट के इसे गोली मारी, जो गोली उसके शरीर को छू कर यहां दीवार में जाके अटक गई और उसी वक्त हमलावर ने इस दूसरे आदमी पे गोली फायर की और ये आदमी लुढ़क कर यहां गिर गया। लेकिन सर, दीवार पे इस तरह AK-47 खाली करने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है हमलावर बहुत गुस्से में था या फिर वो कुछ कहना चाहता है। क्या यावास कोई है? ये देखो, दरवाजे पे खून लगा है, यहीं अंदर कोई बैठा है। कौन है अंदर? बाहर निकलो, बाहर निकले तो गोली मार दूंगा।
भाई, मुझे गोली मत मारो, मेरे पास 300 रुपए हैं। आप एक काम करो, इसको रख लो, ले लो, रख लो, लेकिन तुम चले जाओ, चले जाओ। मैं यहाँ ज्वेलरी शॉप लूटने आया हूँ, तेरे 300 रुपए नहीं बेबको। सुबह हो जाएगी, ये दरवाजा नहीं टूटेगा। और हाँ, हमारे सेठ ने इस दरवाजे को बहुत मजबूत स्टील से बनाया है। और हाँ, ये दरवाजा सिर्फ हमारे सेठ की उंगलियों के निशान से खुलता। आप चले जाओ। तू सिर्फ देख, तेरा ये सिमसिम दरवाजा कैसे अपने आप खुलता है, देख। लाशों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर। सर, एक का नाम बीकू है और दूसरे का नाम रंगा। दोनों बच्चे चुरा कर बेचते थे। पुलिस 2 सालों से इन दोनों को ढूंढ रही है। बच्चे ने कुछ बताया? नहीं सर, गुमसुम बैठा है, कुछ नहीं बोला। अरे फ्रेडी सर, चॉकलेट वॉकलेट तो ये डेली खाता है। मुझे पता है इसे क्या चाहिए। क्या? कुल्फी। मम्मी के पास ले जाएंगे, आप शांत हो जाओ। हाँ, ऐसे जिद नहीं करते, बहादुर ना। मम्मी के पास ले जाएंगे। देखो बेटा, डरा मत। हैं? आप CID ब्यूरो में हो, CID अंकल के साथ हो, हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हैं? तुम हमें हमारे कुछ सवालों का जवाब दो तो फिर हम उस गंदे अंकल को पकड़ लेंगे और सजा दिलाएंगे, है ना? बेटा, क्या हुआ था जंगल के उस पुराने घर में जहाँ आप हमें मिले थे? मुझे 2 आदमियों ने उस घर में बंद करके रखा था। ये लोग थे वो? यही 2 लोग हैं। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वहाँ पे धमाका होने लगा। अच्छा, वहाँ पे कोई और भी था, कोई तीसरा आदमी? हाँ अंकल, वहाँ पे एक और एक आदमी था। अच्छा, आपने उस आदमी का चेहरा तो अच्छी तरीके से देखा है ना? हाँ अंकल, उसके बाएं गाल पे एक मार्क था। उसके चेहरे के बारे में हमें सब कुछ बताओ ताकि हम उसका स्केच बनवा सके। ताकि आप उसे पकड़ लो। हाँ बेटा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। हेलो, कब? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? कल रात एक ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया गया है, उसके गार्ड का खून हो गया। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे बाप जाने के जमाने से चली आई हुई मेरी दुकान एक झटके में खाली हो गई। साहब, ये क्या हो गया साहब? मेरी दुकान मिली थी उसको। साहब, मैं लूट गया, मेरी दुकान लूट गई साहब। क्या हो गया साहब? सर, ना तो इस सिक्योरिटी पैनल से कोई छेड़छाड़ की गई है, ना ही इस दरवाजे से। तो चोर अंदर आया कहां से? सर, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है सर। मैंने बहुत मजबूत स्टील का दरवाजा मनवाया था, पता नहीं वो दरवाजा खोल के अंदर कैसे आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ये वॉचमैन उन चोरों के साथ मिला हुआ था, शटर खोल के अंदर आया, चोरी की
और फिर उन चोरों का मतलब निकल जाने के बाद इसे गोली मार दी, हत्या कर दी इसकी? नहीं सर, मेरे फिंगरप्रिंट्स और पासवर्ड के सिवा और कोई खोल ही नहीं सकता है। मैं हर हफ्ते पासवर्ड चेंज करता हूँ और पासवर्ड सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये दुकान कितने बजे बंद करते हैं आप? हर रोज 9:30 बजे। 9:30 बजे, कल रात भी आपने 9:30 बजे दुकान बंद कर दिया? हाँ जी सर। तो हो सकता है कि दुकान बंद करने से पहले आपका कोई स्टाफ का आदमी यहाँ अंदर छुप के बैठा हो, आपके जाने के बाद उसने चोरी की और शटर खोल के चला गया? नहीं सर, मैं पर्सनली चेक करता हूँ, सबके बाहर जाने के बाद ही मैं लॉक करता हूँ, और अंदर से बाहर जाने के लिए भी पासवर्ड की जरूरत है सर। तो फिर वो चोर अंदर घुसा कैसे है? सर, सर इसी डक के इस वाले ग्रिल का स्क्रू ढीला है सर। मगर निखिल, ये डक्ट का ग्रिल इतना छोटा है कि इस रास्ते से कोई अंदर नहीं आ सकता। ये बात तो है, जरा खोलो से। अच्छा, हाल ही में इस डक को खोला गया था साफ सफाई या किसी और काम के लिए? नहीं सर, पिछले 10 सालों से इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये अंदर घसीटने का निशान तो है, ये देखो छोटे छोटे हाथों के निशान जैसा कुछ है। पर इतनी छोटी जगह में कोई अंदर कैसे आ सकता है? सर, सीसीटीवी फुटेज रेडी हो गई है। ठीक है, चलो। शातिर निकला सा ये लड़का। हम सोच रहे थे कि कई चोर होंगे, मगर एक आदमी और एक बच्चे ने सारी सिक्योरिटी को नाकाम करके पूरी दुकान खाली कर दी। हाँ दुष्यंत, यकीन नहीं होता कि ये बच्चा इस उम्र में इस तरह का गुनाह कर सकता है। पर सर, ये भी तो हो सकता है कि इस चोर ने इस बच्चे को मजबूर करके ये काम करवाया। हो सकता है, पहले इस चोर को पकड़ना होगा इससे पहले कि वो इस बच्चे से कोई और चोरी करवाए। लेकिन सर, इस चोर तक पहुंचेंगे कैसे? चोर चोरी का माल बेचने के लिए चोर बाजार ही जाएगा, वहीं से पता करते हैं चोर के बारे में। भाई अपने पास ही रखो, वैसे भी सीआईडी के डर से हम लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए। हाँ अरे शांत भाई, जाहिर सी बात है इतना सारा माल लेकर बाजार में तो भटकेंगे नहीं, अंदर से आपका नाम और दुकान दोनों पता करके आए। वो हमें पता है कि शहर में सिर्फ आप ही हैं जो अभी भी माल ले रहे हैं। हम लोग थोड़ा नए हैं और जो चोर मन में आए दे दीजिएगा। ठीक है भाई, अब तुम लोग नए हो तो रख लेता हूं, वरना तो 6 महीने से चोरी का माल हम लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सब यहाँ अच्छे ही काम होते हैं। वैसे तुम तीनों को देख के ऐसा लगता नहीं कि तुम लोग इतने बड़े काम कर सकते हो, पर साथ में अगर कोई लड़की हो तो आदमी कुछ ज्यादा ही शरीफ नजर आता है, नहीं? अब वो क्या है कि जमाने के साथ थोड़ा बदलना पड़ता है, और चोरी करना अब पाप नहीं है, आर्ट है, आर्ट कला। ओ भाई, ये 5 किलो पित्तल के माल का 1,000 रुपया हुआ।
हो सकता है एक हाथ घड़ी पीतल की हो, बाकी पूरा सोना ही है। एक बार देख तो लीजिए, ऐसी बात मत करिए। अरे भाई, चावल का एक दाना चेक करने से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं। तुम लोगों को बताऊं, अभी अभी मैंने एक माल का सौदा किया है, ये देखो पूरा का पूरा खरा सोना है। हाँ भाई, एकदम प्योर क्वालिटी है। भाई, ये माल किसने बेचा आपको? मतलब तुमसे मतलब? अपना माल लो और निकलो यहाँ से। अपना भी माल लेके जाएंगे, ये माल भी लेके जाएंगे, इस दुकान का माल लेके जाएंगे। अरे चल, तुझे भी लेके जाएंगे। चोर डाकू लुटेरे तुम लोग? तुझ जैसे डाकू और लुटेरों को ही लूटती है सीआईडी। सीआईडी? तुम लोग सीआईडी से हो? हाँ, अब बता किसने बेचा ये माल तुझे? बता। सर, यहाँ का एक मशहूर चोर पैंथर ने, और उसके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा? सर, वो बच्चा यहाँ पे भी आया था? हाँ सर, वो बच्चा पैंथर का पार्टनर था, क्योंकि आधा पैसा एक बैग में भर के उस बच्चे को दिया और आधा खुद रखा। तुम्हें पता है कि वो दोनों कहाँ गए होंगे? सर ये तो मालूम नहीं, लेकिन साहब वो बच्चा रास्ते की दूसरी तरफ खड़े एक ऑटो में बैठा, और ऑटो जैसे ही निकला, पैंथर जो उस पर नजर रख रहा था वो दूसरी तरफ निकल गया। सर ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑटो उस बच्चे के लिए ही खड़ा था। चोरी का माल लेते हो, तुम्हें तो प्योरो चलना होगा। सर इसका मतलब वो ऑटो वाला उस बच्चे से मिला हुआ था। हेलो कंट्रोल रूम, मशहूर चोर पैंथर चोरी का माल लेके टीके रोड से निकला है, सारे शहर में नाकाबंदी कर दो। ओके। सर, उस ऑटो वाले को कैसे पकड़ेंगे? एक काम करो, आसपास की सारी दुकानों से सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और देखो उस ऑटो का नंबर क्या है। रिक्शा तो वही है सर। रिक्शे में कुछ नहीं मिला। इस दुकान वाले से पूछते हैं, शायद इसने देखा हो ये रिक्शा कौन लेके आया है। आइए साहब, क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से हैं, ये आपके दुकान के पास जो रिक्शा खड़ा है उसके बारे में जानने आए हैं। हाँ साहब, एक आदमी ने इस रिक्शे को रोका और एक बच्चे के साथ सीधे हमारी दुकान में आया, और उसके बाद उसने पीसीओ से एक कॉल किया। उनके पास कोई बैग था? हाँ साहब, बच्चे के हाथ में था। अच्छा, पीसीओ में उसने फोन पे क्या बात की, आपने कुछ सुना? नहीं साहब, मैं तो अपने कस्टमर के साथ बिजी था, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा वो आदमी रिक्शा छोड़ के गायब हो गया। रिक्शा वहीं खड़ी है लेकिन आदमी गायब है, तो मैं तो डर गया सर, मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, कितने बजे कॉल किया था उसने यहाँ से? सर यही दोपहर को 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास। आपके पीसीओ का नंबर क्या है? हेलो, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। या क्या पता चला सर? उस पीसीओ से 12 बजे के आसपास तीन लोगों को कॉल किया गया था, एक राजेश, एक समीर है और अश्विन स्टील्स वाले अश्विन कुमार। अश्विन स्टील्स वाले अश्विन कुमार तो काफी पैसे वाले आदमी है। कहीं चोर ने अश्विन कुमार को फोन तो नहीं किया था? सर चोर ने अश्विन कुमार को पीसीओ से फोन किया क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, लेकिन अश्विन कुमार जैसा आदमी अननोन नंबर से फोन क्यों उठाएगा? अब इसका जवाब तो अश्विन कुमार ही दे सकते हैं। अगर हम अश्विन कुमार के घर नहीं जाते तो हमें उसकी किडनैपिंग का पता ही नहीं चलता। सर काफी समय हो गया, अब तक तो कोई आया नहीं। आएगा निखिल, जरूर आएगा। डस्टबिन में 2 करोड़ रुपए जो हैं। हटिए 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 हटिए, बाहर निकल।
चलाते नहीं आते वो गाड़ी। छोड़ दो साहब, सर सर छोड़ दो, मुझे गलती से गया सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मैंने इसे हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो। उठिए उठिए, देख के गाड़ी नहीं चला सकते, गलती से क्या सर, सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, जाने दो मुझे साहब, साहब मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो मुझे साहब, जाने दो जाने दो मुझे, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया गया, निकल इस जगह को, सब गलती हो गई, सब सब जाने दो, जाने दो साहब मुझे, जाने दो। बेटा अब ये पैसा सीआईडी ले जाएगी। हैं सर, इस उम्र में बच्चा क्या क्या क्राइम कर रहा है? दुष्यंत, इस बच्चे के आंसू कुछ और ही कहानी बता रहे। बस करो बेटा बस, आप रोना बंद नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, क्या नाम है आपका, हैं? देखो हम जानते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और ऐसे गंदे काम तुम कर ही नहीं सकते, पर कोई तो है जो तुमसे ये काम करवा रहा था, कौन है वो, उसका नाम बताओ बेटा। चुप हो जाओ बेटे, देखो अगर आप कुछ बताओगे नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे, हैं? आपके मम्मी डैडी के पास आपको कैसे भेजेंगे? बताओ कौन हो तुम? मेरा नाम रोहन है, मेरा घर दिल्ली में है, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। याद करो ना बेटा, याद करो तभी तुम उस बदमाश को पकड़ेंगे, याद करो। हाँ रोहन बेटा, वो अच्छा आदमी नहीं है, अगर वो पकड़ा नहीं गया ना तो वो तुम्हारे जैसे कई बच्चों से ऐसा ही बुरा काम करवाएगा। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रहा था। आजा आजा ठंडी कुल्फी, कुल्फी वाला, कुल्फी वाला, आ जाओ बच्चों, ये देखो कुल्फी वाला, आ जाओ बच्चों। हाँ एक कुल्फी कितने पैसे की है? अरे आज तो फ्री में है, मैंने अभी अभी नया धंधा खोला है ना, इसीलिए आज सबको कुल्फी फ्री, लेकिन कल से सबको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? आराम से आराम से। अरे ये नहीं, अरे तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो, कुल्फी नहीं चाहिए तुमको? तुम जैसे शांत बच्चे को तुम्हें स्पेशल कुल्फी दूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुल्फी वाला, कुल्फी ले लो। कुल्फी वाले, कुल्फी वाले, ठंडी ठंडी कुल्फी वाले, मुफ्त की कुल्फी वाले, कुल्फी वाले, कुल्फी वाले, रोहन इधर आ, हम लोग खेलेंगे, कुल्फी ले लो। कुल्फी वाले अंकल, रुको रुको, मुझे मुझे एक और कुल्फी चाहिए। बोलो बाबा चोट लगी है, बाबा चोट लगी है, बाबा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कोई भी हाथ नीचे नहीं करेगा, सब ऐसे हाथ करो। फिर से बोलो बाबा चोट लगी है, बाबा चोट लगी है।
बच्चा क्यों नहीं कर रहा? क्यों रे? बता उसको। भूख लगी है। भूख लगी है? जब भीख मांग के लाएगा ना तभी खाना मिलेगा। हाथ को टेढ़ा कर। भूख लगी है। बोला ना हाथ को टेढ़ा कर। कान खोल कर सुन लो, जब तक वो बच्चा बोलेगा नहीं किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। बोलो बाबा चोट लगी है। बाबा चोट लगी है। बाबा दर्द हो रहा है। बाबा दर्द हो रहा है। शेट बहुत भूख लगी है। खाने को तो ना मेरे पास मर गया। के चल ए तू बोल। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बाप जिंदा है। ये दिख रहा है? चमड़ी उतार के रख दूंगा। बोल। मैं नहीं बोलूंगा। बोले बहुत अच्छे, हमें कुछ ऐसे ही बच्चे चाहिए। मुझे कुछ और काम भी करवाना है। और बॉस, और कौन सा काम? खतरनाक काम, मुझे बच्चों से ही करवाने। प्लीज अंकल, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। बेटा मैंने तेरा घर देखा है। अगर तूने घर जाने की बात की तो मैं तेरे घर जाके तेरा घर जला दूंगा और सारे लोग मर जाएंगे, जल जाएंगे। नहीं, 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 प्लीज ऐसा मत करना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। करेगा? पक्का पक्का। चल जा बेटा। बहुत खूब, शाबाश। चल जा। छे मेरे हीरे। चल जा, इधर से अंदर जाना और उधर से उतर जाना, ठीक? जा जा जा, डरने की जरूरत नहीं। चल। हाँ बहुत सही मेरे हीरे, आ जा। डर क्या रहा? नीचे मत देख, अंदर जा अंदर। हाँ शाबाश। आ क्या बात है, आजा आजा। अच्छा अच्छा, आ जा आ जा। बस बस बेटा, इतना ही बचा, थोड़ा सा। आ जा आ जा, कूद जा, कूद। हाँ कूद जा, कूद जा, कूद जा, कूद जा। डर लग रहा है? भूख लगी है? ले कल्लू खाना ला, ये ले। अब कूद जा। अरे तू ऐसे डरेगा तो कैसे खाएगा? ऐसे तो ऊपर ही रह जाएगा। बहुत खूब, आ जा आ जा। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, एक काम और बाकी है बेटा। ये मशीन है ना तेरे पास, जा उससे वो दरवाजा खोल, है ना? निकल। हाँ वो फाइल पेपर मुझसे रोज प्रैक्टिस करवाता था, धीरे धीरे मैं सब सीख गया। प्लीज प्लीज मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए, वरना उन्हें मार देगा। नहीं आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, घबराओ मत। पड़े ड्रोन को ले जाओ। चल बेटा, ये तुझे ढेर सारे चॉकलेट खिलाऊंगा। हाँ चल सर। पैंथर पकड़ा गया, वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, उसे हॉस्पिटल ले जाएगा ऐसा। आने दो पैंथर को, रोहन की अधूरी कहानी अब ये पैंथर पूरी करेगा। मुझे भूख लग गया, मुझे कुछ खाने को दो ना। मेरे मम्मी पापा मेले में घूम गए, मुझे बहुत जोर से भूख लग गई, कुछ खाने को दो ना। चलो इन लोगों को जितना भूखा रखेंगे ना उतना ही इनके चेहरे पर दर्द झलकेगा। चलो ठीक कहा तुमने, मरने दो। नहीं, मुझे सारे बच्चे जिंदा चाहिए, उतना ही चारा डालो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, समझे? रोहन हाथ से निकल गया। कोई नहीं, मुझे और बच्चे चाहिए, छोटे छोटे बच्चे। मुझे लगता है फिर से कुल्फी बेचनी पड़ेगी, बेचूंगा और बच्चे। बच्चों से चोरी करवाता है, खून करता है, हैं? कहां मिला तुझे ये रोहन? अरे साहब आप रोहन को मामूली बच्चा मत समझो, वो एक नंबर का चोर है।
वो हमारे साथ मिलके चोरी करता है, फिर अपना हिस्सा लेके गायब हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलता। देख पैंथर, रोहन ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब अगर तूने झूठ बोला ना तो इस बार ये गोली तेरे पैर पे लगी है, अगली बार सीधा यहां यहां लगेगी, समझा? बोल। सर, सरिया गर्म हो चुका है, आग निकल रही है उसमें से, लाऊं क्या? अरे सर, मुझे छुट्टी दे दीजिए सर, ये सरिया वाला टॉर्चर मैं नहीं देख सकता सर, इसकी चीख में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। अरे बाप रे। सुना पैंथर, सरिया गर्म है और यहाँ ये पूरा ब्यूरो भी, अब बताएगा या? नहीं 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 साहब, हे भगवान, आप लोग ऐसे मारते हो। बेटा ये तो नमूना है, ऐसे 1500 नमूने हैं हमारे पास, जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी दवाई। फ्रेडी, याद में टाइम पास कर रहा है, इसकी जबान के ठंडक को गर्म कर देते हैं, सरिया लेके आओ। नहीं 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 साहब, बता 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 दो, बता दो, बता दो साहब, मैं बता दो। बैठ, पीछे बैठ, आराम से याद करके बता, कोई जल्दी नहीं है, मैं बोल। वो बच्चों को चोरी करता है, उनको कुल्फी का लालच देके बहलाता है और फिर उनको अगवा कर लेता है। कौन है, कौन है वो? साहब आज भी उसने ना 2 बच्चों की चोरी की है, उसका नाम मोहन है साहब, उसका नाम मोहन है। वो हम जैसे चोरों को ये बच्चे सप्लाई कर देता है, फिर उसमें से हिस्सा लेता है साहब। कहाँ मिलेगा ये मोहन? साहब ये तो पता नहीं वो कहाँ रहता है। जब तुमने रोहन को हायर किया था तुम मिले थे उससे? नहीं नहीं मैडम, हमें जब भी बच्चों की जरूरत होती है चोरी के लिए तो हम एक ढाबे वाले को बोल देते हैं, तो वो बच्चे वहीं पे मिल जाते हैं हमें। हाँ साहब, वो ढाबे वाले को पता होगा कि मोहन कहाँ रहता है। कहाँ ये ढाबा? अरे उस्ताद तुम क्या जानो, एक बार हाईवे पे घना अंधेरा था, मैं अपनी दोनों हेडलाइट ऑन कर गाड़ी चला रहा था, सामने से एक बाइक वाला आ रहा था, उसने 2 हेडलाइट देखी, उसे ऐसा लगा कि 2 बाइक वाले होंगे, इसलिए वो बराबर बीच में से आ रहा था। मैं तो बहुत डर गया, मुझे लगा कि आज ये मर जाएगा। मैंने क्या किया पता है? ट्रक को मैंने घुमाया, लेकिन वो बाइक वाला माना नहीं, वो मेरी तरफ फिर से आने लगा। मैंने क्या किया पता है? क्या? एक स्पीड ब्रेकर देखा, गाड़ी को मैंने टॉप गियर पे लगाया और जाम करके उड़ा दिया, मेरी ट्रक हवा में और वो बाइक वाला नीचे से निकल गया, आगे जाके रुका और मुझे इसे सलाम ठोका, मैंने उसकी जान बचाई पता है। अले वा? अरे पानी। ए सर, ये तो कुछ नहीं है, अगर मेरी सुनोगे ना तो पतलून किल्ली हो जाएगी तेरी। मेरे दादाजी को अंग्रेजों ने एक ट्रक गिफ्ट दिया था, हमारे घर की शान था वो ट्रक, कोई नहीं चला पाता था उसे। एक दिन रात को अचानक गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया। जानते हो मैंने क्या किया? सारे गांव को ट्रक में रखा और कट्टी चलाई जोर से, सीधा शहर की तरफ चला गया। पूरे गांव को ट्रक में बिठा दिया? इतना बड़ा ट्रक था? 150 फुट। अरे यार भाई साहब छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें करने का, जो खाना है वो खा के निकलो अभी। इधर आओ, तेरा काम है तुमसे। हाँ बताओ। सबके सामने नहीं बोल सकता, कान सामने ला। हम लोग यहाँ खाने पीने नहीं आए हैं, हमें मोहन से मिलना है। कौन मोहन? कौन मोहन भी उनको नहीं पहचानता मैं। अरे वो बच्चे वाला मोहन, बच्चे वाला। बोला ना कोई मोहन को नहीं पहचानता। इधर आओ, मोहन से हम लोगों को मिला दो, तुम्हारा काम भी बना देंगे, हमारे पास बहुत माल है। ऐसा? चलो। क्या हुआ, किधर है मोहन? मोहन हाँ आ रहे। कौन है तुम लोग बताओ? बताओ कौन है? दोनों का खोपड़ी उड़ा दूंगा।
चलो। बहुत डांस कर लिया, बता मोहन कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, बता दो। बोल बोल। आज दोपहर को 3 बजे एक नया क्लाइंट के साथ में मीटिंग है पुराने गोडाउन पे। संभाल के, या बच्चे होंगे, कोई गोली नहीं चलाएगा। जिसके बारे में ढाबे में बात हुई थी। बोल। एक मिनट छोड़, एक मिनट तो तेरी झोपड़ी उड़ा दूंगा। झोपड़ी तो मैं तेरी उड़ाऊंगा मोहन। मोहन कौन हो आप? हम लोग CID से। CID? अरे सर, मैं मोहन नहीं, चेतन हूं। और 2 महीने पहले उस मोहन ने मेरा बच्चा चुरा लिया था, तब से ढूंढ रहा हूं उसको। ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा, लेकिन आप लोगों ने आके मेरा खेल बिगाड़ दिया पूरा। सब कोई गाड़ी आई? ये मोहन हो सकता है। अच्छा तो वो जिंदा रहेगा या मैं? जहां से मार तू? नहीं मोहन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपना बच्चा खोया है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलेगा। और ये गन मेरे पास होगा। मेरे गन दे दीजिए। नहीं, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों किसी का खून हो जाए। पैसे लाया? आला आया हूं, लेकिन पहले बच्चा लेके आओ। मेरे साथ चला कि अब ये बचेगा ना इसका बेटा। डॉक्स नहीं, डॉक्स डॉक्स जड़ी मेरा भागने का मूड नहीं है। हाँ, मैं बच्चों को किडनैप करके उन्हें डराता था और गलत काम जैसे चोरी करना सिखाता था बस। और बच्चे इसलिए क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता। शर्माना चाहिए तुम्हें। मासूम बच्चों को किडनैप किया,
उनसे गलत काम करवाए तो मैं तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। नहीं सर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों की वजह से हमें हमारे बच्चे मिल पाए और बाकी बच्चे अपने अपने घर जा पाए। थैंक्स सर। धनंजय जी, बच्चे तो हमारी देश की धरोहर है, उन सब की रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना हम सबका कर्तव्य है। सर, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि हमें हमारा रोहन वापस मिलेगा, पर आज आप लोगों की वजह से हमें हमारा रोहन वापस मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है बच्चों पर नजर रखे, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके आगे बढ़ने की दिशा सही है या गलत, थोड़ा तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। और बच्चों, आप सब हमेशा याद रखना, किसी भी मुसीबत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो नहीं हारोगे? गुड। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए सर, बेटे के प्यार में अंधा होकर मुझसे भी गुनाह हुआ है। कानून जो भी सजा मुझे देगा वो मुझे मंजूर है सर। चितन, मान लिया कि तुमने अपने बच्चे के प्यार में ये सब किया, पर तुमने एक अच्छा काम भी किया है। बच्चा मेरा नहीं, लेकिन किसी ना किसी का तो है ना, उसे यहां छोड़ा तो डेफिनेटली मर जाएगा। क्या करूं? इस AK-47 की आवाज से कोई ना कोई आएगा। लेकिन तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, दो दो जाने ली है तुमने, और किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।